ดีครับสวัสดีครับI'm not
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। ये बड़े दुख और दयनीय अवस्था का समय है जो भगवान किसी पर न लाए, लेकिन जो संसार की बनाई हुई रीतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, कारणकारी कर्म है, उसमें जीवन में सब कुछ शामिल है। हमारा जन्म होता है, हमारी बाल अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, उसके बाद में वृद्धावस्था आ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में सांख्य वेदांत योग में कहते हैं, मम माया दुरस्थया, अर्जुन जो मेरी माया है बड़ी भयंकर है, मेरी माया को ना कोई बाल जान सकता है, ना कोई राजा जान सकता है, ना कोई प्रजा जान सकता है, ना कोई भिखारी जान सकता है, मेरी माया बड़ी ही भयंकर है। मैं कब क्या कर दूं, ये मेरी लीला में अपनी प्रवृत्ति कर रहे। यात देव व्रतान देव प्रत्यंत प्रदुर्दहा भूतान यांति भूतज यांति मदा यापि माम। गीता जी के भगवान 16वें अध्याय में ब्रह्म सूत्र भाष्य में कह रहे हैं कि अर्जुन जो बाल अवस्था में आकर के और फिर प्रौढ़ावस्था में आकर के और युवावस्था में आकर के और फिर जब वृद्धावस्था आ जाती है तभी भी मेरा भजन नहीं करता है, तो मैं फिर उसको वो समय नहीं देता हूं जो भजन करने का समय होता है। हमारा जो जन्म होता है वो भजन करने के लिए मिला हुआ है। भजनंत कृष्ण भक्तिमान परंपरा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान गोविंद की चरण स्पर्श दबाए तो आलस उपजे, पर हरि का नाम मुख कबो नहीं गायो। हमारे जीवन में हरि के नाम के लिए कुछ समय नहीं है, क्योंकि बाल अवस्था हमने खेल में गवा दी, युवा अवस्था विषय वासनाओं में गवा दी, संसारिक भोग वासनाओं प्रवृत्तियों में गवा दी, प्रौढ़ अवस्था हमारी ऐसे ही चली गई निंदा चुगली राग द्वेष में, और जब वृद्ध अवस्था आई तो जैसे कुत्ता घर का कुत्ता होता है वैसे हमारी अवस्था होगी। ना बच्चे पूछ रहे हैं, ना स्त्री पूछ रही है, ना कोई साथ में जो रहने वाले वो पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण श्री रमण बिहारी जी महाराज, इनके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, यही हमारा सहारा है, ये गोविंद हमारा सहारा है। सूरदास जी ने कहा श्री राधा जी से, किशोरी जी से, वृषभाल नंदनी तुम इसको अन्ना समझ रही हो, ये अन्ना नहीं है, तुम इसके पास जाओगे पकड़ लेगा। लेकिन स्त्री का हट बड़ा भयंकर होता है, स्त्री का हट, बाल बच्चे का हट और संतों का हट बड़ा भयंकर होता है। ये तो मान भी जाए, लेकिन संत अगर मिल जाए तो फिर वो मानते नहीं है। महात्माओं का बिगड़ना बड़ा भयंकर होता है महाराज, इसलिए संतों के चरणों की रज लेकर के और अपने जीवन को बढ़ाई आगे। कथाएं आप सुनते रहते हैं, प्रमाणित भाव आप सुनते रहते हैं, हम लोग गुरुओं की कृपा से हर जगह जाते हैं, उनकी कृपा हमारे जीवन में, पूज्य पिताजी माता जी का आशीर्वाद है। ये जो जीवन हमें जब मिला है अच्छे कर्मों के लिए मिला हुआ है। बड़े भाई साहब चले गए, ये भी हमारे बड़े भाई तुल्य थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, यहाँ भी मिलना, बड़े भाव से मिलना। और जैसे भगत बाबूराम जी महाराज हमारे पिताजी के अनन्य सेवा किया करते थे, वैसे इनका भाव था। बच्चों का जीवन अपना अपना है, आपके पत्र पुष्प चाहिए, केवल आपका भाव, आपकी भावांजलि चाहिए, आपकी भक्ति माननी चाहिए, और प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, प्रभु के साथ एक बार अगर किसी का मन जुड़ जाता है
गोविंद के साथ कोई एक बार जुड़ जाता है फिर उसको कोई कमी थोड़ा आती है। क्या कमी है गोविंद तेरी गली में? ये स्वयं अपने आप उनके कार्य होते चले जाते हैं। हमारे बड़े भाई साहब 4 महीने हुए परम धाम के हुए बलराम जी, जैसा उनका नाम था वैसा जीवन भी था। न किसी से कुछ मांगना और वो सिद्ध थे, संत थे। और जिस महात्मा के पास मैं गया या बड़े महाराज जी के पास गया, न किसी को बुरा कहना, न किसी को भला कहना, अपने जीवन में रहना ऐसे होना चाहिए। नहीं मिला वो आपको, आपका जो जीवन थोड़ा है लेकिन यात्रा आपकी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी डगर है आपकी। लेकिन अगर आपने ब्रज बिहारी जी के चरणों को, तो मैं तुझे अपना बना लेता हूं। और जब तेरे में मैं खत्म हो जाती है कि मैं कुछ हो ही नहीं, मैं न प्रभु पहले था ना हूं न मैं आगे रहूंगा, तो विशेष कृपा मैं उसके ऊपर कर देता हूं। नैनम छिथन शस्त्राणि नैनम दहति पापका नम चेरम कर्दंत्याभिराम शोषति से बालता शोषति इति बालता। गीता जी के अध्याय को पढ़िए तो उसमें ब्रह्म सूत्र में लिखा है भाग्यशाल में भगवान को पर्वत श्रृंखला कर सकते हैं कि ऐसा हमारी शरीर है आत्म शरीर आत्मवृत सर्वभूतेषु कदाचन भागवत कृपा। आत्मा के अंदर सबको एक रूप में देखिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। मैं इससे बड़ा हूं यद्यपि आचार्य सांडल्य जी से, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको नमन किया। उनको कहा महाराज आप इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े गुरु हैं, हमको नमन कर रहे हो? कह रहे थे प्रभु मैं आपको नमन नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी विद्या को आपके जीवन को नमन कर रहा हूं, क्योंकि आपने संत भेष में रह करके भी वो कर्म किए हैं जो हमें कोई जानता ही नहीं था। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले श्री रमण बिहारी, लेकिन आज रमण बिहारी जी की कृपा और पूज्य पिताजी माता जी के श्री चरणों की कृपा से भाइयों को मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जो मिल जाए उसको गले लगा लो, झुक जाओ, खुश होता है और उसको अमृत फल देता है कि ये मेरे नीचे बैठा उसको मैं आम खिलाऊ मीठा फल खिलाऊ। लोग प्रशंसा करते हैं ये अमृत रस है। मैं किसान कष्ट तो मीरा जी को मिले है, कष्ट तो हर भक्त को मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग पत्थर मारते थे, कहां आगे बैठ जाता है इसको कौन जानता है, पत्थर मारते थे लोग। गुरु नानक देव जी को पत्थर मारते थे लोग, कहां से आ गए ये, इसको कहने बिठा लिया, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसी गुरु नानक देव जी की आज पूजा कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हो कि नहीं? उन्हीं संतों की आप आराधना कर रहे हो आज। मीरा जी को लोग काफिर कहते थे, कहा कि मीरा है ये तो संतों के साथ घूमती रहती है, ये कोई मीरा है, इसका कोई जीवन है? अरे संतों के साथ घूम रहे तो कल्याण मार्ग हो रहा है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, रुक्मिणी को कहा भगवान द्वारकाधीश ने कि अगर आज मीरा की लाज चली गई तो मेरी भी चली जाएगी साथ में। तो जब मीरा जी के प्राण निकले तो भगवान श्री द्वारकाधीश जी के भक्ति आप देखी है ना, आप संतों की भक्ति तो देखो, उन्होंने जीवन में कुछ मिला ही नहीं। पत्नी कहती है मैंने सब्जी बना ली बच्चों के खाने के लिए, लेकिन पत्थर उबाले हुए पानी में। सुधामा जी को हम कहते भक्त सुधामा जी, भक्त नरसी जी, ऐसा जीवन अपना बनाइए। और भगवान आए तो एक निर्धन के पास आए, एक भीख मांगने के पास भगवान आए, कभी गरीब अमीर सेठ के पास गोविंद कभी गए। आप किसी पुराण को उठा के देख लो, किसी शास्त्र को उठा के देख लो, किसी मीमांसा को उठा के देख लो, संत महात्मा से पूछ लो, विद्वानों से, भगवान केवल आए तो गरीब के पास आए, जिसके पास रोटी खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, बैठने का ठिकाना नहीं है, लेकिन कृष्ण ने उनको निहार दिया। फिर सुधामा जी को भगवान ने कहा सुधामा
तू तो मेरा वो भक्त है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर जल भी पी रहा है तो कृष्ण के नाम से पी रहा है। कृष्ण आगे डोम मल करके, अरे सुदामा मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिला दे। कोई और होता तो कहता मैं तो 10 दिन से भूखा बैठा हूं और तू आ गया मेरे से पानी भी मांगने, मैं ले लूंगा। लेकिन सुदामा जी ने कहा लो महाराज पहले आप पी लो, आपको प्यास ज्यादा मैं बाद में ले लूंगा। ऐसी भक्ति बहुत दूर है। सुदामा जी का नाम हम लेते हैं। शीश पगार झगातर में और पाहन को नहीं है सामा। और कहा क्या है कि पूछत सबको या धाम का, वो ब्रज भाषा है। वो क्या कहा कि नाम बतावत अपनो सुधामा। महाराज सुधामा बता रहे अपने जीवन को सुधामा है। कृष्ण जी को फिर होश नहीं रही। करधरी कहां पड़ रही है, मोर मुकुट कहां पड़ रहा है, बंसी भगवान की कहां पड़ रही है मेरे गोविंद की, और पीताम्बर कहां प्रभु का गिर गया जाकर के। भक्तों के बड़े प्रिय मेरे ठाकुर, भक्त को कष्ट हो जाए तो भगवान साइन नहीं करते हैं। भगवान ने कहा मुझे जो मर्जी कह लो, मेरे भक्त को कुछ कहा तो फिर मैं साइन नहीं करूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तू मेरे लिए कदम आते में 1000 कदम दौड़ता हो, तू मेरा बन तो जाए एक बार। बाबू राम जी जो थे वो अनंत भक्त थे वाले पिताजी के, और पिताजी के चरणों को नहीं छोड़ा उन्होंने। मरण काल बीत गया, वृंदावन जाते रहे साथ में नरसिंह भगत आदि, भारी शादी के वो घरवाली सब, लेकिन उन्होंने पिताजी के चरण बिंदु को नहीं छोड़ा। उतना भाव था उनके अंदर। और यहां बैठना को संत मिल जाना तो वह साथ में जाता गोपाल इसको दे दे, इसको दे दे, ऐसा करते थे। उनका भाव दान में बड़ा था, दानी जीवन था उनका। और रह जाते तो बड़ा कुछ कर जाते, हो कहीं कुछ कर जाते, मंदिर बना जाते, मारे बना सब कुछ, लेकिन नाम जपा। घर में आए तो भी माला नहीं छोड़ी, ये उन्हीं के सपुत्र है। पूरन जी तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बच्चे बड़े अच्छे हैं। पूरन जी यहां मिलते रहे मुझे, मैं छोटे भाई की तरह मिला उनको। थोड़ा कहा नहीं आप हमारे कुल के पुरोहित हैं, चल वंदना करने लग जाते थे। मैंने कहा नहीं महाराज आप बड़े हैं हमारे से, जीवन में बड़े हैं, शरीर में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, चाहे हम गुरु में बड़े होंगे, लेकिन नहीं। तो भगवान कृष्ण ने सारांश भक्ति में बताया। अयोध्या जी में जो श्री रावण जी की कथा हुई, और हमारे जो विद्यापीठ के आचार्य हैं रामानुजाचार्य महाराज, श्री रामानंदाचार्य महाराज जो गुजरात के परमाचार्य हैं महाराज श्री के, वहां पर आकर के उन्होंने वो शब्द बोल दिया जो शब्द सुनकर के लोग रोने लगे। कहने लगे आप इतने बड़े संत भी हो, कितने बड़े महंत भी हो, लेकिन आपके अंदर अगर दया नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके सामने कोई तड़फ रहा है, एक रोटी के अन्न के लिए तड़फ रहा है, एक जल के लिए तड़फ रहा है, एक वस्त्रों के लिए तड़फ रहा है, तो आप स्वयं खाए जा रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई दुष्कर्म जीवन नहीं है। तो लोग रोने लगे वहां। मैंने कहा महाराज ये रोएंगे ही करेंगे कुछ नहीं, केवल रोएंगे, क्योंकि इनके ऊपर वो प्रभाव, वो छाया का प्रभाव नहीं है। माता पिता का जो संस्कार होता बच्चों में आ जाते हैं। संतों के वस्त्र भी धोए, संतों के बर्तन भी धोए, संतों ने आकर बना दिया हमारा जीवन। आज प्रभु की कृपा, श्री रमण बिहारी जी की कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से आज पूर्ण मंडल के अंदर मुझे लोग बुलाते, और हमें कोई जानता नहीं था, कोई बुलाता ही नहीं था भाई, कोई जानता ही नहीं था किसी स्टेज पे कौन आचार्य क्या है क्या है, ऐसे समझते थे लोग यहाँ ऐसे ही होगा। पर आज लोग घर में आते, राज्य के श्री रमण देवी में यज्ञ हो रहा था, आचार्य विश्वमूर्ति शास्त्री जी महाराज, आचार्य रंगेश्वर नाथ शास्त्री जी महाराज और आचार्य
श्री राघवानंद शास्त्री जी महाराज ने आके वहां यज्ञ किया है और बड़े महाराज जी ने वहां यज्ञ संपन्न करवाया। ऐसी विभूतियां पर्वत के अंदर, पर भगवान कृष्ण का जब आप जीवन देखिए, गोविंद का जीवन देखिए, तो भगवान क्या करते थे? हम संसार को छोड़ देते हैं, थोड़ा प्रभु की तरफ चलते हैं, गोविंद की तरफ, श्रवण बिहारी जी लेकर के आप भी खाते थे और गोप ग्वालों को भी खिलाया करते थे। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये कैसा भगवान है, अरे जूठा खिलाता है, आप भी तरह सांगनाए ब्रजांगनाए नहीं मिली तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गोप ग्वाल जो है ये तो कृष्ण के साथ चलने वाले हैं, अगर कृष्ण इनके बिना है तो अधूरे हैं श्री कृष्ण। तो भगवान गोविंद ने समझ लिया, गोविंद ने कहा ब्रह्मा जी हमारी भक्त श्री वेदांत दर्शन के अंदर कभी जितना इनको छुपाता हूं इतने बना देता है, इसका मतलब वेद मंत्रों के माध्यम से। कैसे वेद मंत्र है? कलिधाम निते भांति शशिर सूर्यो नतार काभ्यांति वेद तस्या। भगवान को बुलाया, हे गोविंद आपका कोई पारावार नहीं है, जो आपका भूमध्य काल देख रहे हैं इसमें आप ही विराजमान हो, ये गौएं भी आपकी हैं, ये ब्रजांगना भी आपकी है, ये भूमंडल भूत्र काल भी आपका है गोविंद, लेकिन गोविंद मैंने थोड़ी सी भूल कर दी। प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी ये आपकी भूल नहीं है, ये भूल तो मेरी ही मर्जी से हो रही थी, जो मैं चाहता हूं वही होता है, जो मैं एक बार मन में निश्चय कर लेता हूं वही होकर रहता है। तो घूमे हम हेलीकॉप्टरों में घूमे, हमको दुनिया वंदन करे, हमारे चरण धो धो के पिए, ऐसा नहीं होगा। श्री रमण बिहारी जी जब चाहेंगे उनकी कृपा हो जाएगी, तो हेलीकॉप्टर क्या है फिर, तो आप जहां जाओ वही हेलीकॉप्टर खड़ा, पर तब आपको माता पिता की वंदना करनी पड़ेगी, माता पिता की शरण होना पड़ेगा, जिन माता पिता की सेवा की, उन तीर्थ स्नान की और जिनके हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन की। कहते जिन्होंने कन्या के, तो भगवान ने अष्टम स्कंद में प्रहलाद जी को बुलाया गया, तो प्रहलाद भगवान के पास आने की थोड़ी आलंकारी डर रहे थे, थोड़े बालक थे ना, कई विद्वानों ने ऐसी संख्या बता दी। श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज गुरु भाई हमारे, तो उन्होंने कहा मुंबई में जब कथा हुई उनकी कराट प्लेस में, तो महाराज जी ने उस समय कहा कि प्रहलाद भगवान के पास जाने से क्यों डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं कि कहीं गोविंद मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को कहा आओ प्रहलाद, मैंने बहुत देर कर दी, आपके पिताजी ने आपको सताया, आपको रिश्तेदारों ने सताया, आपको सांपों फेंक दिया, आपको मदमंद हाथियों फेंक दिया, आपको हर जगह फेंक दिया, आपको पर्वत से गिरा दिया, आपको समुद्र में गिरा दिया, लेकिन आपने कभी मेरा नाम नहीं छोड़ा। अगर हमको कोई एक रुपया ना दे, हमको कोई मत्था ना टेके, हमको दिमाग खराब हो जाता हमारा, यार हम इतने बड़े हमें कोई पढ़ाव ही नहीं कर रहा, हमें कुछ कृष्ण को पकड़ो, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई काम कौन कर जाता है, हमको नहीं पता लगता है, हम सोचते, लेकिन जब कृष्ण को पुकारा जाता है, श्री रमण बिहारी जी को पुकारा जाता है, भोजन बनाया 10,000 व्यक्ति रोटी खा जाए और फिर भी अन्न ना खत्म हो, अन्न क्षेत्र खत्म ना हो, तो ये कृष्ण की कृपा नहीं है तो क्या है, ये ब्रज बिहारी जी की कृपा नहीं है तो क्या है, ये बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है। श्री राधा वल्लभ सरकार जी की थोड़ी भाव मैं लेता हूं, राधा वल्लभ जी की भक्ति करने वाले श्री राधा जी को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तो कृष्ण की कृपा वल्लभ जी की कृपा नहीं होने वाली है। बड़े महाराज जी को मैं दर्शन करने गया तो मैं श्री राधा वल्लभ आचार्य, हमारी बहन जी ने नाम लिया हुआ है, प्रवीण जी ने लिया है ज्वेलर ने, और भी कई है,
तो हमारे से बड़ा कोई नहीं है, तब तुम ठिकाने पे बैठ जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। हमारे जैसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं दुनिया में, एक से एक बढ़ के हैं। तो आचार्य वहां पर रामेश्वर दास जी महाराज बैठे हुए थे अयोध्या जी के, कनक बिहारी जी महाराज बैठे हुए थे, महामंडलेश्वर जी, इनके दर्शन बड़े दुर्लभ है, हम लोग तो चलों की धूल भी नहीं इनकी। तो महाराज जी ने कहा भोजन करिए, फिर आप भी बोल सकते हैं। तो मैंने जाकर के लाउड स्पीकर कह रहे थोड़ा बैठ जा महाराज, मेरा नाम आ गया, शिष्टाचार होता है। तो कनक बिहारी जी महाराज बड़े खुश हुए और कहा अंदर तो कंबल पड़ा हुआ है, धोतियां पड़ी, इनको ला के दे दो। मैंने कहा महाराज मुझे आपके केवल चरणों की ध्वज चाहिए, चरणों की ध्वज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए महाराज। और वहां पर अति महारुद्र यज्ञ हो रहा था, उनके गुरु है रामानंदाचार्य महाराज। रामानंदाचार्य महाराज जो है वो रामानंद पीठ के परमाध्यक्ष है। भगवान ने एक शब्द कहा कि मो सब दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर, प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं है। और मेरे अंदर वो अपराध है, वो अवगुण है कि मैं तो पानी पीने का अधिकारी इस दुनिया में नहीं हूं। मैं पानी भी नहीं पी सकता, जो आपकी कृपा न हो तो मैं पानी पीने का अधिकारी यहां पर नहीं हूं। लेकिन प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं श्री अमर बिहारी जी, फिर भी आप मुझे खिला रहे हो, पिला रहे हो, मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या आधार है। भगवान भक्त प्रहलाद जी को भगवान ने हृदय से लगाया वेदांत दर्शन के अंदर, कि जो मेरे भक्त को सताता है, जो मेरे भक्त को कष्ट देता है, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं चाहे कुछ भी हो जाए। अपने हमारे आए हुए हैं द्वारकापुरी से शास्त्री जी के सुदाम धन्य दुर्गादास महाराज, तो अब एक कविता जो है मैं थोड़े भाव के अंदर थोड़ा तो करूंगा। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण है कि वस्तु जो उसके सामने नहीं आ रही वो आके खड़ी हो जाती है। हमारे पिताजी इस भाव को करते थे, उस भाव को लेकर के एक कथा को प्रारण करूंगा भावांजलि देते हुए। राधे नमो नृत्य विहार, श्लोक बोलते थे वो, राधे नमो नृत्य विहार ने गोर श्यामो रंग देवी, के राधा कृष्ण की स्वरूप है, और इसलिए राधा कृष्ण के चरणों में भावांजलि करते हुए, आप सबके लिए नमन करते हुए, हमारे सब दाना ट्रांसपोर्ट वाले सब आए हुए यहाँ पर, ये हमारे बड़े प्रिय हैं सभी लोग, सबसे बड़ा बड़ा अनन्य प्रेम है, जगाते होते सब बुलाते रहते हैं। गोविंद से ये प्रार्थना है, श्री रमण बिहारी जी से ये प्रार्थना है, ठाकुर इनके परिवार को अपने चरणों की भक्ति देना और इनका जीवन कल्याणमय भावमय रसोमय भक्तिमय बनाना। और इसी भाव को लेते हुए मैं ये भाव को पूर्ण करूंगा, बिहारी लाल की उच्च माता पिता श्री चरणों की। शोक सभा में उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, एक ऐसा अटूट एक ऐसा अटल सत्य, जिस सत्य का प्रत्येक व्यक्ति ने एक न एक दिन सामना करना है, समय अवधि समाप्त होते ही व्यक्ति जहाँ खड़ा था, जिस स्थिति में खड़ा था, उसी क्षण व्यक्ति उस काल की गोद में समा जाता है। परमपिता परमात्मा का यह विधान अटूट है। कुछ ही समय पूर्व में, कुछ मास ही हुए होंगे, इस परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। भाई गोपाल की मृत्यु एक बहुत बड़ा आघात इस परिवार पर था। अभी उस आघात से परिवार उभरा ही नहीं था, अभी वो जख्म ही पूरा नहीं हुआ कि एक और कड़ी, परिवार का एक और स्तंभ, एक और भाई काल की उस गोद में समा गया।
संभवतः छोटे भाई के जाने का दुख बड़ा भाई नहीं सहन कर पाया होगा। सब कुछ मिल जाता है संसार में, लेकिन माँ जाया भाई नहीं प्राप्त होता, ये बात सत्य है। संभवतः इसी दुख के कारण बड़े भाई ने निरंतर उसी गम को सहते सहते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। परंतु परमपिता परमात्मा के इस कठोर निर्णय के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। अभी आप आदरणीय श्री पंडित जी से भागवत के माध्यम से उनकी चर्चा को सुन रहे थे। ऐसी दुख की घड़ी में एकमात्र आश्रय उस परमपिता परमात्मा का है, अन्यथा अगर ये आश्रय न प्राप्त हो जीव को तो शायद ये संतप्त हृदय कभी शांत हो ही ना पाए। जितना जी चाहे व्यक्ति परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, परंतु अंततः उन्हीं पावन चरणों में जाकर के मन को शायद कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसी दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, परिवार को इस असह्य दुख को, जो एक दुख नहीं भूला अभी, एक दूसरी चोट इस परिवार पर पड़ी है, परमात्मा शक्ति प्रदान करें कि इस दुख को सहने का बल इन्हें प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा करबद्ध निवेदन आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी पूर्व विधायक, कृपया दो मिनट में आकर के अपने श्रद्धा भाव दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त करें। श्री अशोक जी, ईश्वर की रचना है, लेकिन जब किसी परिवार पर आपदाओं का भार टूटता है, जैसे कि गोपाल जी का चला जाना, फिर इस भाई का चला जाना, तो परिवार टूट सा जाता है, परिवार डर जाता है कि क्या ईश्वर हमसे नाराज हो गया। ऐसी कोई बात है नहीं, है तो ये ईश्वरी रचना, कब किसने और किन हालातों में जाना है ये तय है, लेकिन हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारी संवेदनाएं हमें उसे भूल नहीं देती। हमें लगता है जो चला गया उसके बिना हम जी नहीं सकते, और ये है भी सच, पर फिर भी जीना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि श्याम जी, जिम्मेदारियाँ ईश्वर जिस ढंग से भी दे, संभालना तो पड़ेगा, परिवार को भी, समाज को भी, हम पड़ी हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि अगर ईश्वर आपने मुझे पर ये डाल ही दिया जिम्मेदारी, तो मैं इसे पूरी करूँगा। आप बड़े हैं आप करके, और ईश्वर आपको ताकत दे, और इनके जाने का जो बिछोड़ा है उसे परिवार को सहने की ताकत दे। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें अपने चरणों में उच्च स्थान देना, और परिवार के लोगों को शक्ति देना कि वो इस दुख को सह सके। ओम शांति। ये परिवार बहुत सात्विक धार्मिक परिवार है, प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला परिवार है। निश्चित रूप से प्रभु कृपा से इस दुख को सहने का बल भी इस परिवार को प्राप्त होगा। कुछ शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री रमन भल्ला जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, महाजन सभा, गुरदासपुर रोड, पठानकोट, गौशाला परमार्थ सेवा संगठन की ओर से शोक प्रस्ताव है। गौ सेवा संगठन की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार को से इन संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय श्री मास्टर मोहनलाल जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार से, कृपया आएँ और दिवंगत आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आदरणीय श्री
मास्टर मोहनलाल जी। पूरन चंद जी दी इस अंतिम प्रार्थना सभा च जिन्हें भैन और भरा इकट्ठे हुए है, ये गोपाल, ये बाबू राम का परिवार, ये शामे का परिवार, थोड़ा सारे का देन नहीं दे सकता। थोड़ी बहुत कृपा है कि इस परिवार के दुख से तुसी अपनी शमूलियत जाहिर की है। उपरों थली दो मौतां इस परिवार चो हुई हैं और मैं सारे परिवार को यह निवेदन कर रहा कि सारा समाज थोड़े पिछे है। श्याम जी, तुसी देखो कि भाई किन्ने लोग अपने दुख च शामिल हैं और इन्ह सारे लोगों को देख करके ही आदमी सबर होंगे कि भाई ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, इन्ना समाज साढ़े पिछे हैगा। सही है ना जी, असी कल्ले नहीं है और ये समाज की भी बड़ी कृपा है कि इस प्रकार की परंपरावान जी दुख के वेले दरंपरावान उस अभी सारे इकट्ठे हो जाए। ये सानू किसी ने सिखाया नहीं है, अपन जोड़िया बजुर्गों दीहियां बड़िया ने कि दुख से सारे इकट्ठे हो जाओ, असं सारे इकट्ठे हो जाने। इस तरीके किसी भी आदमी जो उत्ते कोई भी दुख हों तो सारा समाज इकट्ठा हो जाता है। असी भावें सुख से किसी दे जाइए कि ना जाइए, दुख से असं सारे जने इकट्ठे हो जाए। और ये बड़ी अच्छी समाज की रिवायत है। तुसी कल्पना करो कोई आदमी कला ही रोंदा होवे कि कला उसकी लाज चुकने वाला नहीं, उसका हाल की होगा। ये समाज की परंपरा कितनी अच्छी है कि दुख च असी सारे इकट्ठे हैं, सुख च भावें किसी दे जाइए कि ना जाइए, सुख च किसी नूं पुछिए कि ना पुछिए, असी दुख च सारे इकट्ठे हाँ। दुख इंसान नूं मांझदा भी है, सारे समझो मेरी बात नूं। दुख इंसान नूं पवित्र भी करता जी, दुख इंसान नूं शुद्ध करता जी, दुख आदमी दे अंदर शुद्ध भावनावां पवित्र भावनावां भरता जी। और जदों भी असी किसी दे दुख च जा करके शामिल होने आ, ए यकीनी मनो उस आदमी दा दुख घटदा 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 घट जांदा है। इस तरह दी परंपरा साढ़े समाज च बनाई है। कदे असी चौथा कर लैंदे आ, कदे दसवां कर लैंदे आ, कदे किरिया कर लैंदे आ, कदे बारखी कर लैंदे आ, कदे चवरी कर लैंदे आ। ये सारियां परंपरावां जिहड़ियां साढ़े बजुर्गों ने बनाईआं, वो इस करके बनाईआं कि असी इस दुख तो हौली 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 उभरदे जाइए। और शाम दे इस परिवार च तुसी सारे आए हो, सारे ने उस परमपिता परमात्मा दे अगे अरदास करनी है। ये पिछड़ी रूह जो एक परिवार पाल रही थी, जो समाज का एक अंग सी, जो उस परमपिता परमात्मा तो पिछड़ी रूह सी, इस रूह नूं परमपिता परमात्मा ने अपने कदमां च स्थान दे करके इस परिवार के अंदर एक बहुत खला एक बहुत बड़ा घाटा पाया है। परमपिता परमात्मा तेरी रहमत तेरी कृपा होए, तेरा आशीर्वाद होए तो यह परिवार इस दुख से निकल सकता है। आप सब की बहुत मेहरबानी है, सब की बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। बड़े सुंदर भाव दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त करते हुए कि एकमात्र इस दुख से उभरने का एकमात्र साधन प्रभु के श्री चरणों का आश्रय और आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त होना ही मात्र इस संकट से व्यक्ति को उभार सकता है। इसी प्रकार आपका स्नेह इस परिवार के प्रति बना रहेगा। एक शोक प्रस्ताव और प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री अमित विज जी विधायक पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अनेकानेक संस्थाओं से, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से अनेक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। समय अभाव के कारण मैं सभी की ओर से दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में नमन करता हुआ, पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ सभी से विनीत प्रार्थना, सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस दिवंगत आत्मा की आत्मिक शांति की कामना हेतु सभी मिलकर के 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः।
ਭਾਈ ਦਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ ਓਮ ਭੂਰਭੁਵਾ ਸਵਾ ਤਤ੍ਸਵਿਤੁਰ੍ਵਰੇਣ੍ਯਮ ਭਰਗੋ ਦੇਵਸ੍ਯ ਧੀਦਯਾ ਓਮ ਭੂਰਭੁਵਾ ਸਵਾ ਤਤ੍ਸਵਿਤੁਰ್ਵਰੇਣ੍ಯಮ ਭਰਗੋ पकड़ी होगी सबने मात्र आशीर्वाद प्रदान करना है आपको श्रवंत भूतान इच्छा को सब समारोह में सब अंग भगवान विष्णु मंगल मंगल मंगलाय प्रभि तवंगल मांगल्य सवे सब सारी सवे कमते हो नाम नमस्ते कृष्णा नदी और पद प्राण प्राण सब ಓಂಕಾರಾವಹೆ ॐ शान्तकारं भुजगशायिनं मधुनाभं सुमेधं विश्वधारं गगनसदृशं हेलो ब्रदर रुमाल उतार के बात करो वहां पे ये बोल रहे हैं दीवार ही पड़ी है पर मलियर पर हो अच्छा तरह को ये पब्लिक पर बोलो इधर पेट लाइन पेट नहीं सब ध्यान दो ಚಕ್ಷುಸುರ್ಜಾಯತೇ ಶ್ರೋತ್ರಾರ್ ವಾಯುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ತಗಣಿ ಜಾಯತ ಹರಿ ಓಂ ಮಹಾ ಭಗವಂತ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಿಠಾ
Thank you.
Thank you.